इसमें मतलब सत्यवान और सावित्री की इसमें कहानी है, तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनकी उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता टंडन है, मैं आर कन्या इंटर कॉलेज की टीचर हूँ। आप लोग ने क्या किया? हम लोगों ने बस यहाँ घर में पूजा करके यहाँ आए, पूरा सोलह श्रृंगार करके यहाँ व्रत की पूजा किया हमने और पूरा फेरी लिया, सब वो फल फूल हलवा पूरी लोग बना खिलाए थे, उसे चढ़ाया। और पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए हमने ये व्रत रहते हैं, बट हमारे बड़ों ने जो बताया। अच्छा, क्या क्यों किया जाता है ये व्रत? इसलिए कि पति के दीर्घायु के लिए, पति के ऊपर स्वस्थ रहे, पति दीर्घायु रहे, इसलिए किया जाता है। नाम बता दीजिए अपना। ज्योति मर्जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।